हेलो स्टूडेंट, हाइड एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसमें 1 to 15 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैंने 16 से 30 तक क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो ये क्वेश्चन है। और उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम लेते हैं 16 को, ठीक है। तो अगर इस सेकेंड लेक्चर को समझना है तो फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लेना, क्लियर कर लेना, क्योंकि उसमें कुछ मैंने बेसिक टर्म्स भी बताए हाइड एंड डिस्टेंस के। तो क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड 30 डिग्री। तो पहले तो टॉप ऑफ टावर बोला है, तो पहले तो टावर ड्रॉ कर लेते हैं। टावर मैंने ले लिया ए बी फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इसको मैंने सी और बी लिया और कोई एक पॉइंट ए है जो ग्राउंड पे है और 30 डिग्री का एंगल एलिवेट कर रहा है। तो 30 डिग्री का एंगल एलिवेट करेगा तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड 30 डिग्री ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। अब इस ए पॉइंट से टावर के फुट की तरफ जाना है, ये फुट है, तो टावर के फुट की तरफ हमें 20 मीटर मूव करना है, मूव टूवर्ड्स द टावर। तो टावर के फुट की तरफ मूव करेंगे, यानी टावर की तरफ मूव करेंगे। तो मैंने सपोज कर लिया ये पॉइंट हमें मिल गया डी, और 20 मीटर मूव करने के बाद पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। ये बी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसे हम डी पॉइंट ले लेते हैं। तो बी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल एलिवेट हो रहा है। मैंने एक पॉइंट बोला था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था कि जितना हम वर्टिकल जो ऑब्जेक्ट है उसके क्लोज जाते हैं उतना एंगल इंक्रीज होता है। वर्टिकल ऑब्जेक्ट में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कुछ भी हो सकता है, ट्री हो सकती है, ठीक है, टावर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, तो कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का डायग्राम बन गया, इसको मैंने एक्स सपोज कर लिया और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट से टावर का डिस्टेंस कितना होगा, यानी ए डी लेंथ पूछा है, और साथ में टावर का हाइट जिसे मैंने सपोज कर लिया एच होगा। अब इसमें देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है सी डी बी और सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है सी डी ए। इसमें एक्स का हम वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को 20 के साथ ऐड कर देंगे, तो a से जितना टावर तक का डिस्टेंस होगा वो निकल के आ जाएगा, और सेकंड में टावर का हाइट है तो h निकाल लेंगे, ठीक है। तो दो ट्राइंगल हैं, दो वेरिएबल हैं, दोनों का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ट्राइंगल ले लिया CDB, और CDB ट्राइंगल में बेस x और परपेंडिकुलर h 10 लगाएंगे तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू आएगा h अपॉन x। 10 60, ठीक है, टेक्नोमेट्रिक टेबल याद होगी, h अपॉन x आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया देन h इज इक्वल टू √3x। हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं करना चाहते क्योंकि दोनों की वैल्यू निकालना है, h की भी वैल्यू निकालना है, x की भी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, सेकेंड कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, तो कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एंगल हो गया 30 डिग्री। तो 10 30 ले लिया, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो 10 30 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और कंप्लीट बेस होगा क्योंकि कंप्लीट ट्राइंगल लिया है। h अपॉन बेस आ गया 20 + x, और उसके बाद 10 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 + x। इसके बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शन में है, √3h इज इक्वल टू 20 + x हो गया। अब मैंने देखो h का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया था, तो h के प्लेस पे h का वैल्यू पुट कर देते हैं। इसके बाद इधर से देखो स्टेप, √3 × h का वैल्यू आ गया था √3x इज इक्वल टू 20 + x, ठीक है, और √3 √3 3x हो गया इज इक्वल टू 20 + x। तो फाइनली 3x - x इज इक्वल टू 20। देखो वेरिएबल को हम वेरिएबल की साइड में लिखेंगे तो 3x - x इज इक्वल टू 20 आ गया, देन 2x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी b से d तक का जो लेंथ होगा वो 10 मीटर के इक्वल होगा। लेकिन हमें टोटल लेंथ निकालना है, क्वेश्चन में बोला है कि a पॉइंट से
टावर के फुट तक का डिस्टेंस पूछा है, यानी टावर तक का डिस्टेंस पूछा है, मीन्स एडी वैल्यू निकालना है। तो एडी क्या होगा, ए बी प्लस बी डी, है ना। ए बी प्लस बी डी को अगर हम ऐड कर दें तो ए डी आ जाए। ए बी हमें पता था क्वेश्चन से 20, और बी डी, बी डी एक्स के इक्वल था, एक्स को मैंने निकाल लिया है 10, तो टोटल लेंथ ए पॉइंट से आ गई टावर तक की 30 मीटर। तो हमें ये जो डिस्टेंस थी ए टू डी की वो तो मिल गई है। अब हाइट और निकालना है, तो हाइट के लिए फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में एच आ रहा था। तो एच इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू एक्स, रूट थ्री एक्स का वैल्यू था, एक्स का वैल्यू 10 था, है ना। एक्स का वैल्यू, ये वैल्यू पुट नहीं करना है, ये तो टोटल लेंथ का वैल्यू है। एक्स निकाल लिया था, एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, तो रूट थ्री का वैल्यू सब बच्चे जानते हैं 1.732। मैंने तीनों वैल्यू कल बताई थी, रूट टू की भी, रूट थ्री की भी, रूट फाइव की भी। तो रूट थ्री का वैल्यू 1.732, सॉल्व किया तो 17.3 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ गया होगा, एक टावर है और टावर का ए पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, उसके बाद ए पॉइंट से 20 मीटर टावर की तरफ जाना है, और 20 मीटर जाने के बाद पॉइंट बी आता है, और पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। तो पॉइंट ए से टावर तक का डिस्टेंस और टावर का हाइट पूछा था, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, दोनों के लिए कंडीशन बना ली और सॉल्व किया। फाइनली एक्स और एच की वैल्यू मैंने निकाल ली है, 16 कंप्लीट हो गया है, 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है 15 मीटर हाई और जिसके टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है कि एक 15 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके टॉप से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री का। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, और उसके बाद उसी बिल्डिंग के बॉटम से जाके देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, उसी टावर के टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। ओवरऑल स्टोरी ये है कि मैंने सपोज किया कि कोई एक बच्चा है जो पहले बिल्डिंग के टॉप पे जाके टावर के टॉप को देखता है, ठीक है, तो वो सोचता है कि टावर अभी बहुत ऊंचा है। उसके बाद फिर वो बॉटम पे चला जाता है, यानी अपने घर के बॉटम पे चला जाता है, अपनी बिल्डिंग के बॉटम पे चला जाता है, फिर बॉटम से जाके फिर टावर के टॉप को देखता है, ठीक है, फिर लगता है उसे टावर और भी ज़्यादा ऊंचा हो गया, है ना। तो यही इसमें ऑब्जर्व किया है, जब बिल्डिंग के ऊपर से जाके देखता है तो 30 डिग्री का एंगल आता है, जब बिल्डिंग के बॉटम से जाके देखता है यानी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे जाके देखता है तो एंगल 60 डिग्री का आता है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, फिर सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये तो हो गई बिल्डिंग, बिल्डिंग 15 मीटर हाई थी और बिल्डिंग को मैंने सपोज कर लिया ए बी बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक है। टावर बड़ा होगा क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा होके पर्सन या कोई बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा है टावर के टॉप की तरफ, तो टावर के टॉप की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, कल मैंने एक बात बताई थी कि जो एलिवेशन बनेगा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से ही बनेगा, तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी। और क्वेश्चन में बोला है कि पहले 30 डिग्री का एंगल बनता है जब बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा जाता है। तो अब यही बिल्डिंग है 15 मीटर हाई, अब इसके बॉटम पे आ गया, ठीक है, बॉटम पे आ गया ऑब्जर्वर, अब बॉटम से उस टावर के टॉप को देखता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम बनेगा लेकिन आदत पड़ जाएगी, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ये 15 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 15 मीटर ही होगा, सी डी ई, ठीक है। इसको मैंने एक्स ले लिया तो ये भी एक्स हो गया और ये एच हो गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट पूछा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस पूछे, ये बिल्डिंग है ये टावर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा, एक्स की जो वैल्यू निकाल देंगे वही डिस्टेंस आ जाएगी। तो हमें ओवरऑल दोनों ही वैल्यू निकालना है, एक्स की भी और एच की भी, एच की वैल्यू में 15 ऐड कर देंगे, टोटल टावर की हाइट आ जाएगी। अब दो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो सबसे पहले मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ई डी ए, ई डी ए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस, एक चीज़ को नोटिस करना, सारे लेक्चर देखना,
और उसके बाद चेक करोगे कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 का यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर या बेस में से ही कुछ पूछा जाता है और परपेंडिकुलर और बेस 10 में ही आता है। तो 10 को लगा दिया 10 30 डिग्री, 10 30 इज इक्वल टू आएगा एच बाई एक्स, तो 10 30 हो गया 1/√3, जानते हो एच बाई एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x is equal to h root 3, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ECB, ECB राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ किया ECB, और ECB जो ट्राइंगल है उसके लिए परपेंडिकुलर, ये ECB के लिए एंगल तो 60 हो गया और परपेंडिकुलर h प्लस 15 हुआ और बेस x हो गया, ठीक है, और 1060 का वैल्यू √3 होता है, h प्लस 15 और बाई x आ गया, ठीक है। इसके बाद इधर देखो स्टेप, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो √3x इज इक्वल टू एच प्लस 15 आ गया, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद x का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं हम, तो x का वैल्यू था h√3, एक्स का वैल्यू h√3 एच प्लस 15 आ गया, ठीक है, √3 √3 3 होगा, तो 3h इज इक्वल टू एच प्लस 15, और वेरिएबल को वेरिएबल की साइड में लिखा इज इक्वल टू 15 आ गया, और 3h माइनस एच बहुत सिंपल है, 2h इज इक्वल टू 15 आ गया। फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ h 15/2, इसका मतलब 7.5, ये क्या था 15 मीटर यानी मीटर आ जाएगा। तो हमें टावर की कंप्लीट हाइट मिल गई, हाइट ऑफ टावर, टावर की कंप्लीट हाइट ec होगी ना हाइट, और ec क्या है h प्लस 15, और h हमने फाइंड कर लिया है, h की वैल्यू आ गई 7.5 प्लस 15, और ऐड करेंगे 22.5 मीटर, तो ये टावर की हाइट होगी। अब हमें x को और निकालना है, क्योंकि बिल्डिंग ये है टावर ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पूछी थी, तो डिस्टेंस बिटवीन टावर और बिल्डिंग, टावर एंड बिल्डिंग, तो टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस x थी, और x क्या था h√3, और h की वैल्यू 15/2 थी, और इंटू 1.732 वैल्यू डाल दी। इसको हम कट कर देते हैं 2 से, 2 8 जा 16 आएगा, 2 6 जा 12 आएगा, और 2 6 जा 12 आएगा, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते थे 15/2√3, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया है, 15 6 जा 90 होता है, 15 6 जा अगेन 90 होगा, 90 और 9 कैरी गया 99 हो गया, ठीक है, और 15 8 जा 120 होता है, 120 और 9 129 हो गया, 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो इतनी डिस्टेंस होगी दोनों यानी टावर और बिल्डिंग के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना दिया, डायग्राम अगर आ गया तो ऑलमोस्ट, मैंने कल भी बोला था 50-60% क्वेश्चन हो गया, इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे थे, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ किया, एक्स और एच की वैल्यू निकाल दी, एच की वैल्यू को ऐड करने से हाइट आ जाएगी, जो एक्स की वैल्यू होगी उससे हमें टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ये क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो 18 19 और 20 तीनों इसी टाइप के सेम क्वेश्चन हैं, उनको कर सकते हो, ठीक है, या मैंने जितने भी अभी तक क्वेश्चन करा दिए अगर उनको ध्यान से समझा होगा तो 18 19 20 कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21, ए 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। एक 1.6 मीटर टॉल गर्ल है और स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। एक 1.6 मीटर टॉल गर्ल है जो 3.2 मीटर अवे है लैम्प पोस्ट से, और जो 4.8 मीटर का शैडो फॉर्म करती है ग्राउंड पे। मैं डायग्राम से बताता हूँ, ये देखो लैम्प पोस्ट है, ठीक है, लैम्प पोस्ट बड़ी ही होगी तभी शैडो फॉर्म करेगी, तो ये गर्ल है, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया गर्ल है,
और ये लैम्प पोस्ट है और यहाँ पे गर्ल है, और जब ये लाइट यहाँ से फॉल करते हुए जाती है तो ये जो लाइट होगी वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। जो लाइट क्रॉस नहीं कर पाती है वो शैडो बना देती है, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था। और यहाँ से टॉप से ये लाइट रे क्रॉस कर जाती है, ठीक है, क्रॉस करेगी, और क्रॉस करने के बाद एंगल जो फॉर्म्ड होगा वो इसमें बोला नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया एंगल थीटा सबटेंड होगा। जो ये टॉल गर्ल है जिसका लेंथ 1.6 मीटर है, ठीक है, लैम्प पोस्ट यहाँ पे है, और शैडो लैम्प पोस्ट से नहीं बनेगा, शैडो गर्ल से बनेगा, है ना। ये लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट के सामने एक गर्ल खड़ी हो गई है, तो इस तरफ शैडो बन जाएगा, और शैडो का लेंथ कितना है 4.8 मीटर, ये शैडो बन जाता है, ठीक है। और जो गर्ल है वो लैम्प पोस्ट से 3.2 मीटर अवे, तो ये 3.2 मीटर हो गया। इस पॉइंट को मैंने सी दे दिया और ये पॉइंट डी दे दिया, ठीक है। ये तो डायग्राम की बात होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी होगी। सॉरी, ये गिवन नहीं है, लैम्प पोस्ट की हाइट पूछा है, तो हाइट को मैंने सपोज कर लिया एच होगा, ठीक है। 3.2 मीटर अवे थी गर्ल इस लैम्प पोस्ट से। टिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है पहले, तो पहले हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके इस सॉल्यूशन को निकालते हैं, यानी लैम्प पोस्ट की हाइट को निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल इसको और नेम दे दिया ई सी डी ट्राइंगल को लिया, और ई सी डी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का यूज किया, परपेंडिकुलर और बेस 10 में आएगा, एंगल था नहीं, मैंने सपोज कर लिया थीटा होगा। एंगल अगर नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लग सकता था, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से एंगल सपोज कर लिया थीटा। तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1.6 बाई 4.8 आएगा, ठीक है। इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और उसके बाद मैंने कंप्लीट ट्राइंगल लिया एबीडी, सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। तो कंप्लीट ट्राइंगल में भी एंगल आएगा 10 थीटा, और कंप्लीट ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया एच, और बेस कंप्लीट लेंथ हो गई 4.8 प्लस 3.2, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 आएगा, देखो 8 टू 10 और 3 और 4 7 1 8, तो ये 8 आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब दोनों ही इक्वेशन को देखो, दोनों का लेफ्ट इक्वल है ना, इसमें भी 10 थीटा है, यहाँ पे भी 10 थीटा आ रहा है। अगर दोनों का लेफ्ट इक्वल होता है तो राइट को इक्वेट कर देते हैं, अगर दोनों का राइट इक्वल है तो हम लेफ्ट को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज किया, तो लेफ्ट इक्वल था, राइट को इक्वेट किया, 1.6 बाई 4.8 इज इक्वल टू एच बाई 8, और 16 3 3 48 होता है, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से आया 1/3 इज इक्वल टू एच बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3h इज इक्वल टू 8 आ गया, तो हमें h की यहाँ से वैल्यू मिल जाती है 8/3 मीटर, ठीक है। तो ये लैम्प पोस्ट की हाइट आ गई। इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो 3 2 6, 2 बचेगा 6 6, यानी लैम्प पोस्ट की कंप्लीट हाइट 2.66 मीटर होगी। ये तो एक मेथड हो गया टिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें बोला है प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी कोई भी स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल नहीं जानता होगा, क्योंकि ट्राइंगल मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है। ये सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल वाले चैप्टर में आता है। ट्राइंगल में दोनों ही टॉपिक आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। लेकिन मैं क्वेश्चन अभी ज़रूर बता देता हूँ। सिमिलरिटी के लिए क्या होता है, जैसे एक टॉय कार होती है और वैसी एक बड़ी कार आ गई, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। एक बड़ा फैन है और एक छोटा फैन है, वो सिमिलर है। एक बड़ा बोर्ड है और एक छोटा सा बोर्ड है, तो वो एक दूसरे के सिमिलर है। एक बच्चे वाली चेयर है और एक बड़ी वाली वैसी ही चेयर है, तो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन से लगे कि एक ही जैसा है, बस दोनों का शेप अलग अलग हो जाए, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए, दोनों का डायमेंशन अलग अलग हो जाए। अगर इस टाइप की चीज़ें अलग अलग आएंगी तो सिमिलर होगी। सिमिलर या एक जैसी ही बोल सकते हैं, जैसे बच्चे ने एक कार परचेज की, ठीक है, और वैसी ही सेम, है ना, ऑब्जर्वेशन से वैसी ही सेम लगती हुई एक बड़ी कार ले ली, ठीक है, तो वो सिमिलर हो गए। और सेम क्या होता है, जैसे एक बड़ी कार है वैसी एक दूसरी और बड़ी कार है, तो वो
कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सेम और सिमिलर में डिफरेंस है, सेम का मतलब बिल्कुल एक जैसा और सिमिलर का मतलब ये लगता तो है कि वो एक ही जैसा है लेकिन सेप छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। मैं इतनी चीज़ें अभी बताऊंगा, अब सिमिलर का मतलब समझते हैं, लेकिन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम और डिटेल में बता देंगे। तो इसके लिए दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी। देखो वही बात तो यहाँ पे है, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों ही सिमिलर हैं, है ना। जैसा छोटा लग रहा है वैसा ही बड़ा लग रहा है। क्या दोनों का डायमेंशन एक ही है? नहीं है, एक का छोटा डायमेंशन है एक का बड़ा डायमेंशन है, लेकिन ये जरूर लग रहा है जैसा छोटा होगा वैसे ही बड़ा होगा, लेकिन डायमेंशन और शेप डिफरेंट होंगे। तो ये दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन हम लगा लेते हैं, ठीक है। और आगे जब हम ट्राइंगल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। फिर ए बी अपॉन ई सी आएगा, बी डी अपॉन सी डी आएगा और ए डी अपॉन ई डी आएगा, यानी इनकी जो साइड का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड फर्स्ट। ए बी देखो इसमें कितना है, ए बी एच आ गया। ई सी, ई सी का वैल्यू, ई सी का वैल्यू 1.6 हो गया, ठीक है। और बी डी, बी डी का कंप्लीट वैल्यू कितना है, 8 हो गया, क्योंकि मैंने 4.8 और 3.2 को ऐड किया। और सी डी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू 4.8 हो गया, ठीक है। और 16 3 जा 48 होता है, तो h का वैल्यू यहाँ से भी 8.3 मीटर हमें मिल गया है। तो ये सिमिलर मेथड है। सिमिलर में एक चीज़ और आ जाती है, ए बी डी सिमिलर का ये सिंबल है ई सी डी। अगर इसी में हम कॉन्ग्रुएंट लिखते तो कॉन्ग्रुएंट का ये वाला सिंबल हो जाता, ठीक है। सिमिलर का मतलब होता है बिल्कुल दिखने में एक ही जैसा, लेकिन सेम नहीं होता, डायमेंशन अलग, शेप अलग, वॉल्यूम अलग होता है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट सेम होता है, जिसकी एक की डायमेंशन जितनी होगी उतनी दूसरे की डायमेंशन है। जैसा एक ये ट्राइंगल है दूसरा ये ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल बना दिया वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब हम सिमिलर ट्राइंगल यानी ट्राइंगल को पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। 22 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का मीनिंग समझते हैं। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे, एट सम डिस्टेंस। तो पहले तो बिल्डिंग बना लेते हैं और उससे कुछ डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल बॉय हो गया ये। और उसके बाद अच्छा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग का भी हाइट दिया है तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को ले लिया और बिल्डिंग को ए बी दे दिया, ठीक है। ये ग्राउंड था, ग्राउंड सरफेस थी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये जो पर्सन है, ये जो बॉय है, ये जैसे ही बिल्डिंग की तरफ जाता है तो इसकी आई से एंगल 30 डिग्री से चेंज होके 60 डिग्री हो जाता है। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये बॉय है, यहाँ से इसकी आई से पहले 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि 30 पहले आना चाहिए 60 पहले आना चाहिए, तो मैंने सिंपल सा ट्रिक बताया है जो बाद में आए, यानी जो टावर की तरफ या बिल्डिंग की तरफ जाए, ठीक है। तो जितना वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा एंगल उतना बड़ा होता जाएगा, बिल्डिंग से जितना दूर हो गया एंगल उतना ही छोटा होगा। तो इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बनेगा, ये 30 डिग्री हो गया। अब ये जो पर्सन है, ये बॉय है, ये चलता हुआ यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ये बॉय, जब बॉय यहाँ पे आ गया तो इसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री बन जाता है। इस पॉइंट को मैंने ए बी, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया सी, और इसको डी, और इसको ई, और इसको एफ दे दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। पहले पर्सन 1.5 मीटर टॉल था जो यहाँ पे खड़ा हुआ था और 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पॉइंट के लिए। और उसके बाद पर्सन मूव करता हुआ, कितना मूव किया पर्सन, तो टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग।
अच्छा ये बोला नहीं है कितना वॉक किया, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, ये पूछा है कि कितना ये वॉक किया होगा। एक्स मैंने सपोज कर लिया वॉक किया होगा और ये डिस्टेंस सपोज कर ली बाई होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, इसको मैं लिख देता हूँ, ये पी पॉइंट हो गया। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, है ना। तो ये लेंथ कितनी होगी, एपी लेंथ, एपी लेंथ होगी 28.5 मीटर, क्योंकि पर्सन का हाइट कितना था 1.5, ठीक है, तो ये भी 1.5, टोटल 30, तो एपी कितना बचा 28.5 बचा, ठीक है। तो हाइट एपी की होगी 28.5, डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसमें सॉल्विंग करते हैं, हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए हैं, हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ कितना गया, बिल्डिंग की तरफ उतना ही गया जितना एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया बिल्डिंग के टॉप पॉइंट के लिए, ठीक है। तो 30 से 60 हुआ तो डिस्टेंस एक्स कवर किया, एक्स की जो वैल्यू आएगी उतना ही पर्सन या बॉय डिस्टेंस कवर करेगा। तो 1060 ले लिया, 1060 के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइट कितनी है 28.5 और इसके लिए बेस आ गया बाई, और 1060 होता है रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 बाई बाई, हमें बाई को हटाना है क्योंकि एक्स को निकालना है, तो बाई इज इक्वल टू 28.5 बाई रूट 3, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं, सेकेंड ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल होगा ए पी एफ, ए पी एफ में आएगा 1030 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 बाई एक्स प्लस बाई, ठीक है, एक्स प्लस बाई लिखा और 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 और 28.5 बाई एक्स प्लस बाई, ठीक है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू आएगा 28.5√3, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें बाई की वैल्यू को हटाना था, तो बाई की वैल्यू को हटाने के लिए बाई के प्लेस पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है, और बाई की वैल्यू थी 28.5/√3 इज इक्वल टू 28.5√3 आ गया। तो एक्स की वैल्यू निकालना है 28.5√3 और इस वैल्यू को ट्रांसपोजिशन किया 28.5/√3 आ जाएगा। दोनों वैल्यू से राइट हैंड साइड की से हमें कॉमन मिल रहा है 28.5, कॉमन निकाल दिया, √3 - 1/√3 आ गया, ठीक है। तो देन एक्स इज इक्वल टू 28.5, दोनों का एलसीएम लिया, √3 आएगा, तो 3 - 1 हो गया। इसके बाद सॉल्विंग इधर देखते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 28.5/3 - 1, 3 - 1 से वैल्यू आएगी 2/√3, एक्स इज इक्वल टू 25 - 10 और 28 - 56 वैल्यू आएगी 57√3, है ना। डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू नहीं होती है तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 × √3, देन x इज इक्वल टू 57√3 और 3 आ गया, ठीक है। 3 से इसको कट कर लेते हैं, 3 1 - 3, 2 बचा, 3 9 - 27, तो x हमें मिल गया 19√3, ठीक है। इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया, अब चाहो तो √3 की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, तो समझ में आ गया होगा 1.5 मीटर टॉल बॉय था, उसकी भी कुछ लेंथ होगी इसलिए इसको माइनस कर दिया, 30 से 60 डिग्री जाएगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, x सपोज कर लिया और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट लगाया 10 का और सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और एक नॉर्मल बिल्डिंग है, ठीक है। तो मैंने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना दिया, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या है, जिसमें कई फ्लोर्स होंगे और एक नॉर्मल बिल्डिंग है, तो नॉर्मल बिल्डिंग की ऑब्वियस बात है कि हाइट कुछ कमी होगी, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होगी। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से नॉर्मल बिल्डिंग के टॉप पॉइंट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन सबसे पहले बन रहा है 30 डिग्री, टॉप पहले आ रहा है तो टॉप के लिए 30 डिग्री। अब देखो टॉप के बाद बॉटम आया है और एंगल हो गया है 45 डिग्री, तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से नॉर्मल बिल्डिंग के बॉटम के साथ एंगल 45
डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोला था। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले नॉर्मल बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री मैंने इसके लिए बना दिया, ठीक है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से नॉर्मल बिल्डिंग के बॉटम के साथ 45 डिग्री का एंगल है, तो जो नॉर्मल बिल्डिंग है उसका लेंथ दिया है 8 मीटर, यानी हाइट दी है 8 मीटर। और ये ए बी ले लिया, सी डी और ई। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी लेंथ 8 मीटर का होगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो ये h की हम वैल्यू को सॉल्व करके निकालेंगे और h में 8 को ऐड कर देंगे, टोटल हाइट आ जाएगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। दोनों बिल्डिंग्स के मिड का सेपरेशन पूछा है, तो मैंने सपोज कर लिया x होगा, ठीक है। तो x और h की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम एक स्मॉल ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल EDA। EDA ट्राइंगल लिया और EDA ट्राइंगल में 10-30 ले लिया, है ना, 10-30 लिया h अपॉन x, ठीक है। 10-30 का वैल्यू 1/√3 है, ये कई बार आ चुका है हाइड्रेंट डिस्टेंस में भी, h बाई एक्स। और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x इज इक्वल टू आ जाएगा √3 × h। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके बाद सेकंड ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ECB जो ट्राइंगल लिया, ECB ट्राइंगल में देखो एंगल आ रहा है 45, यानी 10-45। तो 10-45 के लिए इस एंगल के लिए जो हाइट थी वो क्या होगी, h प्लस 8, कंप्लीट हाइट होगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। और बेस था इसमें x, 10-45 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो टेबल बताई है उसमें ये सब बता दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक को देख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बाई 1 करके, तो x इज इक्वल टू आएगा h प्लस 8, ठीक है। x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं √3h और इज इक्वल टू h प्लस 8, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 8 आ गया। h कॉमन आ गया, √3 − 1 इज इक्वल टू 8, सो h इज इक्वल टू 8/√3। ये सब बच्चे जानते हैं कि डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू नहीं होती है, तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, √3 + 1 और √3 + 1 आ गया, क्लियर। तो h इज इक्वल टू 8√3 + 1, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकंड नंबर स्क्वायर, है ना। तो h इज इक्वल टू आएगा 8√3 + 1 होल बाई √3 का स्क्वायर, 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 − 1 वैल्यू 2 आएगी और 2 × 4 = 8 हो गया, तो h की वैल्यू आ गई 4√3 + 1। ये तो h की वैल्यू आ गई। अब हमें कंप्लीट हाइट निकालना है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट देखो, हाइट होगा h प्लस 8, यानी ec की वैल्यू, ec क्या होगा, h प्लस 8, दोनों को ऐड कर दिया, h की वैल्यू मैंने निकाल ली है 4√3 + 1 आ गई थी प्लस 8। अब दोनों से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा दोनों से, √3 + 1 और 4 × 2 = 8, होता है 8, है ना। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 कॉमन आ गया, 2 बचेगा, तो 4√3 + 3 आ गया। ये तो हमें मिल गई है, सॉरी 1 + 2 = 3 आएगा। तो ये तो हमें कंप्लीट हाइट मिल गई है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग यानी ec की। अब x का वैल्यू और पूछा है, तो इक्वेशन फर्स्ट को ले लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x इज इक्वल टू h√3, तो h की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ये h की वैल्यू थी, h की वैल्यू क्या है 4√3 + 1 और √3 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये h के प्लेस पे वैल्यू आ गई और √3 आ गया, √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x का मतलब दोनों बिल्डिंग का सेपरेशन आ जाएगा, 4√3 √3 = 3 हो गया, और √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, ये दोनों बिल्डिंग का सेपरेशन आ गया। और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कंप्लीट हाइट आ गई 4√3 + 3। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहले एक स्मॉल ट्राइंगल लिया, ठीक है, स्मॉल ट्राइंगल लेने से x और h में रिलेशन आ गया, फिर कंप्लीट सेकेंड ट्राइंगल लिया, उसे h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू में 8 को ऐड करेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कंप्लीट हाइट आ जाएगी, और दोनों बिल्डिंग के सेपरेशन के लिए x की वैल्यू निकाल दी, 25 कंप्लीट हो गया। 26 क्वेश्चन को देखते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल,
पेडिस्टल का मतलब होता है, स्टैचू का मतलब जानते हुए मूर्ति होती है, और पेडिस्टल का मतलब मूर्ति जिस पे ऊपर रखी जाती है, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म पहले बना देते हैं कुछ हाइट तक, उसके ऊपर मूर्ति को रख देते हैं। ठीक है, ये कुछ इमेजिन कर लिया होगा जो मैं बता रहा था अभी, पेडिस्टल प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर स्टैचू रख दिया जाता है। तो जो स्टैचू है वो 1.6 मीटर टॉल है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये तो मेरा पेडिस्टल हो गया। ठीक है, पेडिस्टल थोड़ा इस तरह से होता है, लेकिन इन शॉर्ट डायग्राम बनाने के लिए मैंने इसी तरह से बना दिया। अब इसके ऊपर मूर्ति रखी गई है, मूर्ति की जो हाइट है ये मूर्ति की हाइट है, ये मूर्ति की जो हाइट क्वेश्चन में दी है वो 1.6 मीटर है, और ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल दे लिया BC। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया, सपोज किया यहाँ पे पॉइंट लिया। ठीक है, ये पूरा ग्राउंड सरफेस है, और वहाँ से पेडिस्टल है, यानी एक प्लेटफॉर्म बना दिया, और उसके ऊपर मूर्ति यानी AB को रख दिया है 1.6 मीटर। अब यहाँ से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप के लिए जो एंगल है ग्राउंड से वो 60 डिग्री है, एलिवेशन है तो ग्राउंड सरफेस से ही होगा। अब एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल था तो पेडिस्टल के टॉप के साथ जो एंगल आ रहा था वो 45 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में केवल हाइट ऑफ द पेडिस्टल पूछा है, यानी ये BC की वैल्यू, H की वैल्यू पूछी है, तो ये X मैंने ले लिया। इसमें भी दो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल आ रहा है BCD और सेकेंड ट्राइंगल आ रहा है ACD, दोनों ही ट्राइंगल को हम लेंगे। तो इन ट्राइंगल ACD, पहले कंप्लीट ट्राइंगल लिया मैंने, और कंप्लीट ट्राइंगल के लिए 1060 आएगा, बिकॉज टोटल ट्राइंगल 60 था क्योंकि कंप्लीट ट्राइंगल लिया था। तो 1.6 प्लस H अपॉन X, X को हटाना है और H को लेके आना है, H की ही हाइट पेडिस्टल की हाइट होगी। 1060 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3X इज इक्वल टू 1.6 प्लस H, इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद एक और स्मॉल ट्राइंगल बन रहा है BCD, और BCD ट्राइंगल में देखो 1045 आएगा। इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए हाइट H होगी और जो बेस होगा वो X हो जाएगा। 1045 का वैल्यू 1 होता है, H बाई X, तो X इज इक्वल टू H आ गया, इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया और हमें H का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब X को हटाना होगा, तो X के प्लेस पे लिख दिया H, बिकॉज X इज इक्वल टू H आ गया था इक्वेशन सेकेंड से, ये 1.6 था और प्लस H। देन √3H, H को H की साइड लेके जाते हैं, 1.6 आ गया, तो H कॉमन ले लिया, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6 आ जाता है, तो H इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 - 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 + 1 और √3 + 1 आ गया। क्लियर, देन H इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1, ये डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी होगी a प्लस बी ए माइनस बी की, तो √3² - 1² आएगा, और 1.6 √3 + 1, और √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 - 1 वैल्यू 2 आएगी, 2 से इसको मैंने कट किया, 0.8 हमें मिल गया, तो H आ गया फाइनली 0.8 √3 + 1। चाहो तो √3 की वैल्यू को पुट कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हो। पेडिस्टल की हाइट आ गई जो मैंने एस सपोज किया था, तो पेडिस्टल ये था और उसके ऊपर स्टैचू रख दिया था, पेडिस्टल का मतलब प्लेटफॉर्म, और पेडिस्टल के टॉप का 45 और स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री, दोनों ट्राइंगल का यूज़ किया, और उसके बाद H की वैल्यू मैंने सॉल्व करके निकाल दी, हाइट आ गई 26 कंप्लीट हुआ। 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और जिसके टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा जा रहा है, यानी 7 मीटर हाई बिल्डिंग से जो केबल टावर है, केबल टावर के टॉप पॉइंट को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री। उसी टॉप बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से
केबल टावर के बॉटम को देखा जा रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी उस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से जो नीचे की तरफ केबल टावर होगा उसके फुट को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री आ रहा है। मैं फिर से बता दूं, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग को बना दिया, और सेकंड एक टावर है केबल टावर, ठीक है, और इस बिल्डिंग से पहले केबल टावर के टॉप पॉइंट को देखा जा रहा है, और इसी पॉइंट से यानी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से केबल के बॉटम को देखा जा रहा है, ठीक है। तो कोई एक ऊपर बच्चा खड़ा होगा जो बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से केबल टावर के टॉप को देख रहा होगा, और फिर इसी पॉइंट से केबल टावर के बॉटम को देख रहा होगा। जब वो टॉप को देख रहा होगा तो एलिवेशन ऊपर की तरफ देखते हैं, तो एलिवेशन दिया है 60 डिग्री का, और डिप्रेशन नीचे की तरफ देख रहा होता है तो नीचे की तरफ देख रहा होगा तो एंगल बन रहा होगा 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल बनते हैं। तो ये 45 है तो इसका मतलब ये भी 45 होगा। ये आया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, देखो जेड बन रहा है, जहाँ पे भी जेड बनता है वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होता है, लेकिन याद रखना पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ए बी सी एंड डी ई, और ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट दी है 7 मीटर, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया, और इससे मैंने एच ले लिया और ये एक्स हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछे, एक्स की एच की वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू में 7 को ऐड करेंगे, कंप्लीट हाइट आ जाएगी टावर की, तो एच की वैल्यू ओवरऑल हमें निकालना है। इसके लिए मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी ई, ए बी ई एक राइट एंगल ट्राइंगल था, ये एक्स है तो इसको भी एक्स ले लिया, ये 90 डिग्री था, तो 1060 इज इक्वल टू एच बाई एक्स आएगा, और 1060 का वैल्यू √3 एच बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इधर भी बन रहा है या इधर भी बन रहा है, कोई सा भी ले सकते हो। इन ट्राइंगल ईडीसी मैंने लिया, और ईडीसी में 1045 आएगा, 1045 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया 7 और बेस हो गया एक्स, 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया, ठीक है, तो 7 मीटर बिल्डिंग आ गया, यानी दोनों बिल्डिंग का सेपरेशन तो हमें 7 मीटर पता चल गया। अब बिल्डिंग की हाइट और निकालना है, तो इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट को लिया, और इक्वेशन फर्स्ट था एच इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, तो एच इज इक्वल टू आ गया √3, और एक्स की वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 को हम आगे लिख लेते हैं, तो 7√3 ये एच की वैल्यू आ गई। अब हमें कंप्लीट हाइट निकालना है टावर का, यानी केबल टावर का, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, H plus 7 दोनों को ऐड कर दें, कंप्लीट आ जाएगी हाइट आ जाएगी। H का वैल्यू था 7√3 प्लस 7, तो 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस 1, ये केबल टावर की कंप्लीट हाइट आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन का सेंस क्या था, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर यानी टॉप पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो केबल टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आता है, उसी टॉप पॉइंट से केबल टावर के बॉटम को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री आ जाता है। उसके बाद दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं, दोनों को यूज किया और सॉल्व कर लिया, और फाइनली टावर की हाइट आ गई 28 कंप्लीट हुआ। 29 देखते हैं, 29 देखो, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शेप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहले तो एक लाइट हाउस रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये लाइट हाउस हो गया, और ये लाइट हाउस 75 मीटर टॉल है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जो ऑब्जर्व करता है, टॉप पे खड़ा होगा तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे, और एक यहाँ पे शिप है और एक यहाँ पे शिप है, ठीक है, दो शिप हैं, और दोनों शिप 30 डिग्री और 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे होंगे। जो दूर वाला शिप होगा वो कम एंगल सबटेंड कर रहा होगा, और जो पास वाला शिप होगा वो ज़्यादा एंगल सबटेंड कर रहा होगा। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के आगे पीछे हैं, ठीक है, आगे पीछे हैं, इसका मतलब एक ही साइड होंगे। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप के बीच का हाइट कितना होगा, सॉरी डिस्टेंस कितना होगा, ए बी सी डी, दोनों शिप के मिडिल का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स का वैल्यू पूछा है। मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल लिया, और ए बी सी ट्राइंगल में 1045 डिग्री आ जाएगा 75 अपॉन बाई, 1045 का वैल्यू होता है 1, देन 75 अपॉन बाई, देन बाई इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है,
हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड ट्राइंगल लिया, ABD ट्राइंगल को लिया, तो ABD ट्राइंगल के लिए tan 30 इज इक्वल टू 75, tan 30 का मतलब कंप्लीट ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो 75 अपॉन x प्लस y आ गया, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 75 रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस y आएगा, क्लियर। तो y की वैल्यू को हटाना है, 75 रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस y के प्लेस पे वैल्यू पुट किया 75, तो x इज इक्वल टू आ गया 75 रूट 3 माइनस 75, सो x इज इक्वल टू 75 कॉमन आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1, तो दोनों जो सिप्स होंगे उनके मिड का जो डिस्टेंस होगा वो x है, और x की वैल्यू को निकाल लिया 75 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, दो सिप हैं और लाइट हाउस के टॉप पॉइंट से एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जो ऑब्जर्व करता है, जिसे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बन जाते हैं, ये 45 हो गया। उसके बाद दोनों ट्राइंगल का यूज़ कर लिया और ट्राइंगल का यूज़ करके वैल्यू निकाल दी, रूट 3 की वैल्यू को पुट करके भी कंप्लीट आंसर निकाल सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो ये 29 कंप्लीट हुआ। और 30 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है बिल्डिंग के टॉप पॉइंट के लिए, और कहाँ से दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से दिया है, तो ये मैंने टावर बना लिया और ये बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, तो टावर को मैंने बड़ा बना दिया है और बिल्डिंग को छोटा बना दिया है, ठीक है। टावर अगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बड़ी हो जाती, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें बिल्डिंग को क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बोल दिया जाए कि बिल्डिंग बड़ी है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है और जो टावर है, टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो 30 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग ये है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, ये ए बी और सी और डी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दिया है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट क्वेश्चन में पूछा है, तो बिल्डिंग का हाइट मैंने सपोज कर लिया एच होगा, और टावर और बिल्डिंग दोनों के मिड का जो सेपरेशन है उसे एक्स डिग्री सब वो एक्स यूनिट सपोज कर लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, सेकेंड केस में बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, ठीक है। दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और सेकेंड ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी ट्राइंगल में, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल हो गया और इसके लिए एंगल था 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन x लिख लिया, tan 60 का मतलब होता है रूट 3, 50 बाई x, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा 50 अपॉन रूट 3, लेकिन हमें x को नहीं निकालना है, हमें बिल्डिंग की हाइट यानी h की वैल्यू को निकालना है। इसके लिए मैंने सेकेंड ट्राइंगल लिया, सेकेंड एक और राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है डी सी बी, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एंगल था 30 डिग्री, तो इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस है तो tan आएगा, tan 30 इज इक्वल टू h और बेस x, h बाई x, और tan 30 का वैल्यू था 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू h बाई x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रूट 3 h इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है, और x की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा क्योंकि हमें h को निकालना है, तो x की वैल्यू 50 अपॉन रूट 3 थी, वैल्यू पुट कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3, और ये भी अपॉन में रूट 3 आ गया, तो h इज इक्वल टू 50 बाई 3 मीटर आ गया, हाइट आ गई। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 3 वन जा 3 2 आएगा, 3 सिक्स जा 18 और 2 आएगा 3 सिक्स जा 18, यानी 16.66 मीटर ये बिल्डिंग की हाइट होगी। तो क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा, एक के टॉप से सेकंड के बॉटम और सेकंड के बॉटम से फर्स्ट के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिए थे, इस बिल्डिंग की हाइट पूछी थी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को लिया, सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। 30 तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद
जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो 31 से 45 के लिए होगा। इन दोनों लेक्चर को क्लियर कर लो, उसके बाद थर्ड लेक्चर को हम बताते हैं। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।